बुजुर्ग पिता चिल्लाते रहे और बेटे से रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन आरोपी का दिल नहीं पसीजा। बेबस बेटी पड़ोसियों से पिता को बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन इंसानियत ने दम तोड़ दिया। कोई उसे बचाने नहीं आया। हैवान बन चुके बेटे ने पिता को इतनी बेरहमी से पीटा कि उनकी मौत हो गई। कत्ल की शर्मसार कर देने वाली ये वारदात मऊ की है। पुलिस आरोपी बेटे के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। कहते हैं इंसानियत जब दम तोड़ती है तो जनाजे नहीं निकलते। खामोशी की चादर तले सब कुछ तबाह हो जाता है, ना रिश्ते बचते हैं और ना ही परिवार। हैवान बन चुके एक युवक ने बुजुर्ग पिता को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आस पड़ोस और गांव में सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी बुजुर्ग को बचाने नहीं आया। कत्ल की शर्मसार कर देने वाली वारदात, बेटे ने की पिता की पीट पीट कर हत्या। बेबस बेटी पड़ोसियों के सामने हाथ जोड़ती रही, पिता को बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। आरोपी बेटा उन्हें तब तक लाठी से पीटता रहा जब तक कि वो खून से लथपथ नहीं हो गए। ग्राम प्रधान ने जख्मी बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया, जहां कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। तब वो एक तार मारा उनके, बेटा मत मार रे, हम मर जाए, बेटा मत मार, हम मर जाए, मुआ दे बेकारे। तब ना सुना, एक तार डंडा मारत गई ना। हम चिल्लाई नहीं, सब अगली बगली गई नहीं, अगली बगली से क्यों ना आए। शर्मसार कर देने वाली वारदात थाना दोहरी घाट इलाके के जमुनीपुर गांव की है। मृतक बुजुर्ग का नाम रामहित चौहान था। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से रामहित का उनके बेटे सूर्यनाथ से विवाद चल रहा था। सूर्यनाथ नशे का आदी था और अक्सर किसी न किसी बात को लेकर पिता के साथ मारपीट करता था। आरोपी की हरकतों की वजह से उसकी पत्नी भी मायके में रह रही थी। फिर प्रधान जी जब आई ना, तबले वो मरते रहे। जब जैसे ही वो रोका ना गाड़ी का, वो देखा ला गाड़ी का आवाज, तुरंत भागल। अब उकर बाद सुकर पता ना चला। फिर पुलिस आए लोग, फिर हम एम्बुलेंस से इधर हमारे बाबूजी के लेके गए लोग थाने पे, जो हॉस्पिटल में वहाँ में दवाई उवाई लाइन लगाओ लोग, बोतल वोतल कुल देखा लोग, तबले हमारे बाप मर गए। बेटी के मुताबिक सोमवार की रात भाई सूर्यनाथ शराब पीकर आया और पिता को लाठियों से पीटने लगा। बेटी ने पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। किसी तरह उसने ग्राम प्रधान को फोन किया, लेकिन जब तक वो आते बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी सूर्यनाथ पत्नी को मायके से लेकर आने के लिए पिता पर दबाव डाल रहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। ये शराब वराब पी करके जो है अपनी पत्नी को मारता था, उससे नाराज होकर के पत्नी जो है अपने मायके चली गई थी। तो ये अपने पिता से कह रहा था कि आप जाइए और हमारी पत्नी को ले आइए। तो पिता द्वारा यही बात कही गई कि तुम उसको मारते पीटते हो तो हम क्यों जाए लाने के लिए। इसी बात को लेकर के विवाद बढ़ गया और वो गुस्से में आकर के, चूंकि वो शराब भी पिए हुआ था जैसी जानकारी हुई है, उसने लाठी उठा करके उनको कई लाठियां मारी जिसमें उनका हाथ पैर भी टूट गया है। वारदात के बाद से ही आरोपी सूर्यनाथ चौहान गांव से फरार है, लेकिन हैरान कर देने वाली वारदात से परिवार में मातम पसरा हुआ है। बेटी ने जमीन को लेकर भी पिता और भाई के बीच विवाद की बात बताई है। नहीं, अभी तो यही बात संज्ञान में आई है कि उसके शराब पीने के कारण पत्नी उससे रुष्ट रहती थी और जिसके कारण जो अपने मायके चली गई थी, और वो चाहता था कि पत्नी मायके से घर आ जाए और उस पिताजी जाकर के उसको ले आए। जहाँ तक जमीनी विवाद की बात है तो अभी ये बात संज्ञान में नहीं आई है, और हो सकता है कि ये भी विवाद हो। आरोपी बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन हत्या की वारदात सोचने पर मजबूर करती है। आखिर लोग इस कदर जड़ क्यों हो चुके हैं? क्यों किसी ने बुजुर्ग को बचाने की कोशिश नहीं की? क्राइम कंट्रोल के लिए मऊ से वंश बहादुर, न्यूज टीम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। युवक ट्रैक्टर चलाने का काम करता था।
घर पर खबर आई कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन जब परिवार वहां पहुंचा तो खून से लथपथ बेटे का शव बरामद हुआ। युवक की मौत कैसे हुई, क्या उसकी हत्या की गई या फिर वो हादसे का शिकार हुआ, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिस शख्स के यहां युवक काम करता था वो फरार है। सनसनीखेज घटना मथुरा की है, केस दर्ज कर फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। खेत से युवक का लहूलुहान शव मिला तो इलाके में कोहराम मच गया। ट्रैक्टर चलाकर युवक किसी तरह अपनी रोजी रोटी कमाता था। उसकी मौत की खबर से परिवार में मातम पसर गया। मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ गया। परिजनों के मुताबिक देर रात उन्हें बेटे के एक्सीडेंट की खबर दी गई थी, लेकिन जब वो मौके पर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खेत में बेटे की लाश पड़ी थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। बदहवास परिजनों के आंसू नहीं थम रहे। बेटे की मौत से परिवार की जैसे दुनिया ही उजड़ गई। ये हुई है कि ये लड़का जो है सोनी सनोपति प्रजापति के यहाँ पर ये ट्रैक्टर पर काम करता था और कल रात में पहले सूचना दी कि वो बीमार है, वो एक्सीडेंट है होगा को, और जब ढूंढने सब निकले तो भाई बॉडी है उसके, ये किराए पर लड़का रहता है उसी के घर के पास भी डाले थोड़ा सा दूर। घटना हाईवे थाना इलाके के पाली खेड़ा की है, जहां 24 साल के युवक की मौत की खबर ने सनसनी फैला दी। युवक की पहचान श्याम सुंदर के रूप में हुई, जो ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। श्याम सुंदर अगर किसी हादसे का शिकार हुआ तो ट्रैक्टर मालिक उसे अस्पताल लेकर क्यों नहीं गए? घर वालों को एक्सीडेंट की खबर देकर वो फरार क्यों हो गया? ये तमाम सवाल साजिश का शक पैदा कर रहे हैं। ये है कि अभी हम पुलिस के साथ गए थे, तो वहाँ पर उसका सोनी सनोपति के यहाँ गए थे, तो लड़के का खून से बिगड़ा हुआ पजामा मिला और मोबाइल भी मिले वहाँ 2-3, जिनको पुलिस ले आई। आप इसे क्या मानते हैं? किसके पजामी मिली है उसकी पजामा? सोनी सनोपति के यहाँ काम करता था ये। जी जी जी। तो अब क्या आपको आशंका है कि इसने मर्डर किया? उसका उन्होंने मर्डर किया है। परिजनों के मुताबिक श्याम सुंदर जिस ट्रैक्टर को चलाने का काम करता था उसी के मालिक सोनी ने उन्हें फोन करके हादसे की खबर दी थी। परिजनों के मुताबिक ट्रैक्टर मालिक सोनी ही बेटे के हत्या का आरोपी है। आरोपी सोनी के घर पर श्याम सुंदर के खून से सने कपड़े और मोबाइल बरामद हुआ, जिसके शक की सुई ट्रैक्टर मालिक की तरफ ही घूम रही है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच की बात कर रही है। इसमें हमारे इंस्पेक्टर वहाँ पे गए थे, पूरे शूटिंग के पूरे तहकीकात करी थे, और ये प्राइमर किसी को देखने में लग रहा है कि ये ट्रैक्टर चला रहे थे, और जिस तरीके के छोटे हैं गांव में जो बातचीत हुई उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर से गिरे, इंजरी जो है वो एब्रेजल टाइप की है, लेकिन परिवार वालों को हमने कहा है तरीके से जो जिसके शक है वो आदमी मिसिंग है उसको हम लोग पकड़ेंगे, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी सोनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सोनी के घर से मृतक के खून से लगे कपड़े और मोबाइल बरामद कर लिया गया, लेकिन हत्या या हादसे का सच जांच के बाद ही सामने आएगा। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए मथुरा से धाराजीत सारस्वत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। गुस्सा अक्सर ऐसे गुनाह को दस्तक दे देता है कि सब कुछ तबाह हो जाता है। छोटा सा विवाद परिवारों को तबाह कर देता है। रायबरेली से एक ऐसी ही वारदात सामने आई है। नाली के मामूली विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच ऐसा खूनी तांडव हुआ कि महिला की जान चली गई, जबकि उसका पति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल केस दर्ज कर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है।
दो भाइयों के बीच मामूली विवाद को लेकर हुए झगड़े ने घर की खुशियां तबाह कर दी। पत्नी की मौत पर चीख रहे शख्स को संभालना मुश्किल हो रहा है। परिवार पर गम का ऐसा पहाड़ टूटा है कि सब कुछ बिखर गया। नाली से पानी निकालने के विवाद ने खूनी वारदात की पटकथा लिख दी। सगे भाई और उसके परिवार ने पति पत्नी को लाठी डंडों से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात की खबर मिलने पर पुलिस गांव पहुंची और एम्बुलेंस बुलाकर जख्मी पति को अस्पताल में भर्ती कराया। बहनों जो है वो खेत में गए थे तो वो लोग जो है वहाँ पे खेत में थे और वहाँ से वो लौट रहे थे, ये रास्ते में जा रहे थे, जाते जाते जो है कुछ हल्का फुल्की इनकी कहा सुनी कुछ हुई। किस बात को लेकर हुई? इस बात के लेकर के हुई कि किसी मतलब किसी दूसरे ने पानी के पानी नाली से लगा रहा था तो इन्होंने कहा कि जो है उसको तुमने मना किया है नाली से पानी लगाने के लिए, तो इसी वजह से जो है ये उसी कहा सुनी में कहा तुमने हमारी चुगली की है। हत्या की वारदात थाना हरचंद्रपुर इलाके के मवैया गांव की है। यहां रहने वाले सगे भाई महमूद और मंसूर अली के बीच पुराना विवाद था। दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। परिजनों के मुताबिक मंसूर अली खेतों से लौट रहा था तभी महमूद लाठी से हमला बोल देता है। शोर शराबा सुनकर मंसूर की पत्नी फिरोज अख्तर भी बीच बचाव के लिए मौके पर पहुंची लेकिन उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बड़े जोर से चिल्लाए तो हमारी बहन घर में थी तो कुछ दूर पर घर था तो वहाँ से जब पहुँची तो तब इनको भी मारना चालू कर दिया और पकड़ के बांसों से मारा और हमारी बहन के ये तो किया, वो बहुत चोट खा गए, बहुत उनके शरीर बहुत भयंकर चोट लगी हुई है। मौके पे ही डेथ हो गई? हाँ, मौके पे ही डेथ हो गई है तत्काल। उसी वक्त हम लोग जब पहुँचे तो अब हमने देखा और कुछ सौ नंबर गाड़ी वाले पुलिस वाले थे, उन्होंने देखा तो पूरी बाड़ी ठंडी हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। नाली से पानी निकालने को लेकर झगड़ा फिर बढ़ गया और खूनी वारदात सामने आई। जख्मी पति मंसूर को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी महमूद के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वारदात के बाद से ही आरोपी गांव से फरार है। मंसूर अली और महबूब अली भाई भाई हैं, इनके विवाद में मंसूर अली और उनकी पत्नी को चोटें आई थी और चोट के कारण मंसूर अली की पत्नी एक्सपायर हो गई है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जल्द ही जांच करके इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आक्रोश में इंसान इस कदर अंधा हो जाता है कि ना रिश्तों की फिक्र रहती है और ना ही कानून का डर। सनसनीखेज वारदात से परिवार में मातम पसरा हुआ है। नाली के मामूली विवाद में कत्ल की वारदात हैरान कर देने वाली है। फिलहाल घटनास्थल का जायजा लेकर पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए रायबरेली से अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। फरुखाबाद में एक शख्स की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। झगड़े में आरोपी पक्ष के भी कई लोग जख्मी हुए हैं। वारदात के पीछे पुराना विवाद बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक दोनों परिवारों के बीच पहले से रंजिश थी। पिछले साल मारपीट और छेड़खानी का केस दर्ज भी हुआ था। पुराने घाव एक बार फिर हरे हो गए और देखते ही देखते खूनी तांडव शुरू हो गया। स्ट्रेचर पर पड़ी खून से लथपथ लाश और जख्मी लोगों की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। मृतक शख्स का नाम कुलदीप था जिसकी बेरहमी से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पड़ोस में ही रहने वाले एक परिवार पर है। दोनों परिवारों के बीच पुरानी रंजिश की आग एक बार फिर से सुलग उठी जो कुलदीप की मौत के बाद ही शांत हुई। मारपीट में आरोपी पक्ष के पिता पुत्र भी जख्मी हुए हैं। सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक कुलदीप सोमवार की रात पड़ोसी परिवार के घर गया था, तभी झगड़ा शुरू हो गया और ये वारदात सामने आई। बाहर बैठे थे ये लोग आए एकदम पकड़ के गर्दन रदन दबाई और पता नहीं डंडा थे खाते मारा तोड़ी गिरे चीखे तो हम निकले, हम तो रपट के गिर पड़े
जे पेशाब के लिए उठे गए कुछ हुई गई गई जे आए बकुल लोग थे इनके भी डंडा मारो उन्हें मारो अब उन लोगों को डंडा इनके लगेगा हम लोग तो अचानक खड़े थे लवियाँ भी थी इन लोगों के पास में। हत्या की वारदात सदर कोतवाली इलाके के बजरिया मोहल्ले की है। यहाँ अनिल गुप्ता अपनी पत्नी गीता और दो बेटों के साथ रहते हैं। आरोप है कि एक साल पहले पड़ोसी कुलदीप ने घर में घुसकर अनिल की पत्नी गीता के साथ मारपीट की और छेड़खानी की थी। इस दौरान अनिल और कुलदीप के बीच जमकर मारपीट हुई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों का चालान कर दिया था, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। यहाँ पर फरुखाबाद कोतवाली क्षेत्र में किराए पर रहते थे, तो इनका अपने पड़ोसी हीरालाल और उनके पिता अनिल से किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई, उसी मारपीट हुई, तो इनके दोनों के भी सिर में चोट है डंडे की और उसके भी डंडे की चोट है। उसमें उसकी तो मृत्यु हो गई है पीछे कुलदीप की, लेकिन ये लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन बाद दोनों परिवारों ने समझौता कर लिया था। पुलिस के मुताबिक सोमवार की रात कुलदीप फिर से अनिल गुप्ता के घर आ धमका और बदला लेने के लिए मारपीट शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक अनिल और उसके दोनों बेटों ने भी जवाबी हमला बोल दिया और मोहल्ले वालों की मदद से कुलदीप को इतनी बुरी तरह से पीटा कि मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। जख्मी आरोपी अनिल गुप्ता और उसके बेटे हीरालाल को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि अवैध संबंधों को लेकर एक साल पहले झगड़ा हुआ था, जिसका केस भी दर्ज हुआ था। उसी रंजिश के चलते ये वारदात सामने आई है। रंगदारी का नहीं है इसमें, कुछ और मामला है। पहले भी इनका एक साल डेढ़ साल पहले कुछ वाद विवाद हुआ था, उसमें 151 में कुलदीप बंद भी हुआ था, तो कुछ अवैध संबंधों की बात पास में आ गई। उसी ने मारपीट की। आज सब घटना हुई, तमंचा भी बरामद हुआ, पुलिस को फायर भी हुआ? नहीं, फायर तो नहीं हुआ है, लेकिन तमंचा बरामद हुआ है। रंजिश की वजह कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से सरेआम एक शख्स को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा गया, वो हैरान कर देने वाला है। फिलहाल पुलिस दोनों परिवारों से पूछताछ कर मामले की जांच और कार्रवाई में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए फरुखाबाद से शिवकुमार मिश्रा, न्यूज़ टीम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हरियाणा और पंजाब से यूपी में शराब की तस्करी रुक नहीं रही है। शातिर तस्कर नए नए तरीके अपनाकर पुलिस और आबकारी विभाग की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मथुरा और मुजफ्फरनगर में पुलिस और आबकारी टीम ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी है। मथुरा में करीब 55 लाख की शराब बरामद हुई है, तो मुजफ्फरनगर में 33 लाख की अवैध शराब हाथ लगी है। ट्रक और कंटेनर में भरी शराब की सैकड़ों पेटियां देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। ट्रकों में लदी शराब की कीमत 1-2 लाख नहीं बल्कि करीब 1 करोड़ रुपए है। मथुरा के थाना हाईवे और यमुना एक्सप्रेस वे इलाके से पुलिस ने 2 ट्रकों में लदी करीब 850 पेटी शराब पकड़ी है। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 55 लाख रुपए है। ये शराब हरियाणा से लाई गई थी और मथुरा और उसके आसपास के जिलों में सप्लाई की जानी थी, लेकिन वक्त रहते पुलिस को खबर मिल गई और शराब माफिया की साजिश बेनकाब हो गई। ऐसा है, हरियाणा से सूचना मिली मुखबर से कि हरियाणा से कंटेनर में शराब आ रही थी, तो हम लोग आपका इस टीम ने ज्वाइंट टीम करके आरटीओ गेट पर चेकिंग कर रहे थे कि वहाँ मुखबर ने बताया कि आ रही है, तो वहीं पकड़ा गया था। तो एक कंटेनर में एक चालक के 500 पेटी देसी अंग्रेजी मदिरा शराब पर पकड़ा गया। बड़ी मात्रा में शराब की बरामदगी से साफ है कि मथुरा में शराब माफिया किस कदर सक्रिय है। यमुना पार थाना इलाके में एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने एक ट्रक की जांच की, तो उसमें 350 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, लेकिन कंडक्टर को पुलिस ने पकड़ लिया। दूसरा मामला थाना NH2 का है, जहां एक कंटेनर में शराब की खेप लाई जा रही थी। कंटेनर से 500 पेटी शराब बरामद की गई है।
कंटेनर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि प्रोसेस यहाँ से हो रही थी, ये सूचना हम लोग के पास भी थी। अरे धीरे बात कर लो भाई, ये बड़ी बरामदगी है और इसमें हम लोग पूरे केवल चालक तक ही नहीं कि ड्राइवर चालक और जो खलासी एक्चुअल मालिक जिनकी गाड़ी यूज हो रही है और जिनके प्लेस यूज हो रहे उनको भी हम लोग इसमें तमाम प्रयास के बाद जो है शराब तस्करी रुक नहीं पा रही है, क्या मानते हैं? नहीं, प्रयास है तभी तो पकड़ी जा रही है। प्रयास न होता तो इतनी बड़ी मात्रा में 45 से 55 लाख की शराब हम कैसे पकड़ते। पकड़ी गई शराब हरियाणा और पंजाब से लाई गई थी। पकड़ा गया कंडक्टर पंजाब का रहने वाला है। आरोपी का कहना है कि उसे नहीं पता था कि शराब किसकी है, उसे माल पहुंचाने के बदले 10,000 रुपए मिलते हैं। दोनों मामलों से साफ है कि अवैध शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। मुजफ्फरनगर से आबकारी विभाग ने 1100 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। यह शराब मुजफ्फरनगर के रास्ते गोरखपुर ले जाई जा रही थी। हमने टीम बनाई और हमने स्ट्रेटजी बनाई कि उसको पकड़ने की हमने फील्डिंग की थी, तो हमें ये सूचना थी कि ये सहारनपुर के रूट से आते हुए गोरखपुर जाना है इसको, तो मलीरा के आसपास हमने इसको पकड़ा है। कितनी साबर की कीमत कितनी? कीमत करीब 33 लाख। हजार पेटी इसमें क्रेजी रोमियो की हैं पौवे के फॉर्म में और 100 पेटी हैं ब्लू मोड की। आबकारी विभाग को ट्रक में तस्करी कर लाई गई अवैध शराब के लदे होने की खबर मिली थी, लिहाजा पुलिस के साथ हाईवे पर पहुंची आबकारी टीम ने ट्रक रुकवा कर शराब जब्त कर ली। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 33 लाख रुपए के आसपास बताई गई। ट्रक ड्राइवर समेत दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ जारी है। क्राइम कंट्रोल के लिए मथुरा से धाराजीत सारस्वत और मुजफ्फरनगर से रविंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। मामूली विवाद ही अक्सर खूनी साजिश की इबारत लिख डालता है। गुस्से में लोग खून के रिश्तों को भी ताक पर रख देते हैं। मऊ में बेटे ने ही पिता को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, तो रायबरेली में मामूली झगड़े में शख्स ने भाई और भाभी को बेरहमी से पीट डाला जिससे भाभी की मौत हो गई। अपनों के बीच रंजिश और कत्ल की वारदात हैरान कर देने वाली है, लिहाजा जरूरत है हर किसी से हर वक्त सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।